नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज पालघर में एक बड़ा कार्यक्रम था, बड़ा प्रशासनिक कार्यक्रम था, जहां सरकार की योजनाएं उन लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे उसकी जानकारी लोगों को देनी थी और लाभार्थियों को सीधा लाभ मिले इसके पूरा बंदोबस्त किया जा रहा था। कार्यक्रम था शासन आपले दारी, सरकार आपके द्वारा। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और कई गणमान्य लोग थे। ये कार्यक्रम एक तरह से प्रशासनिक कार्यक्रम है और लोगों के भले के लिए, लोगों के जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का ध्येय था। लेकिन फिर भी कार्यक्रम ने राजनीतिक मोड़ लिया और कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने अपने प्रतिद्वंदियों को कार्यक्रम स्थल से ही, मंच से ही उन पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब अपना भाषण दे रहे थे, तब उस समय भाषण देते हुए उन्होंने यह कहा कि शासन आपले दारी इस कार्यक्रम अंतर्गत यह सरकार जो है, अभी की वर्तमान सरकार, वो आपके द्वार पर आई है, जबकि इसकी पूर्ववर्त सरकार थी। उन्होंने निशाना साधा सीधा उद्धव ठाकरे की पूर्व सरकार पर। पूर्ववर्त सरकार में सरकार आपले घर ही थी, वो अपने घर से चलाई जाती थी। उप मुख्यमंत्री ने जब यह वक्तव्य दिया तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम एक राजनीतिक मोड़ लेता दिखाई दिया। पालघर जिल्ह्यामध्ये शासन आपल्या दारी या उपक्रमाच्या अंतर्गत लाखो लोकांपर्यंत शासन पोहोचतंय आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ हा घरपोच आपण जनतेपर्यंत पोहोचवतोय। बघा, वर्षभरापूर्वी सरकार बदललं आणि दोन सरकारमधला फरक काय आहे? मागचं सरकार होतं सरकार आपल्या घरी आणि आताचं सरकार आहे सरकार तुमच्या दारी। हा महत्त्वाचा फरक दोन सरकारमधला आहे। एक सरकार स्वतःच घरी बसलो होतं आणि हे सरकार मात्र तुमच्या दारामध्ये येऊन तुमचे अधिकार, तुमचे लाभ हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करताय। उपमुख्यमंत्री के बाद में मुख्यमंत्री कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी निशाना साधते हुए ये कहा कि हमारी सरकार लोगों के बीच में आकर काम करने वाली सरकार है, जबकि पिछली सरकार थी वो फेसबुक सरकार थी। उन्होंने ये कहते हुए उद्धव ठाकरे के ऊपर और महाविकास आघाड़ी के ऊपर निशाना साधा। हे सरकार जे आहे एका विचारांचं सरकार आहे, हे सर्वसामान्यांच्या हितासाठी निर्णय घेण्यासाठी स्थापन झालेलं सरकार आहे आणि म्हणून माझी आणि देवेंद्रजींची आताची दोस्ती नाहीये। ही गेले 15-20 वर्षापासून ते आमदार होते, मी आमदार, तेव्हापासूनची आमची ही दोस्ती आहे आणि त्यामुळे ही दोस्ती किती काही जीवाभावाची आमची मैत्री आहे। किती कोणी प्रयत्न केला आमचं दोघांचं बॉन्डिंग मजबूत आहे। ये फेविकॉल का जोड है, तुटेगा नहीं, तुटणार नाही, किती तुम्ही प्रयत्न केला तरी। आणि मी या पुढे काही लोक म्हणतात ये क्या जय विरू की जोडी, काही लोक म्हणतात जय विरू की जोडी आहे, काही म्हणतात धर्मवीर की जोडी आहे, पण मी एकच सांगतो ही जोडी जी आहे, ही युती जी आहे, ही खुर्चीसाठी झालेली नाही, ही स्वार्थासाठी झालेली नाही। आणि जे स्वार्थासाठी एकत्र झाले होते त्यांना या जनतेनेच बाजूला करून टाकलेला आहे। जेव्हा 2019 सर्वसामान्यांनी ज्यांना मतदान केलं शिवसेना भाजपा युती म्हणून, परंतु सरकार त्यावेळेस स्थापन वेगळ्या लोकांच्या बरोबर झालं, परंतु खऱ्या अर्थाने 10-11 महिन्यापूर्वी आम्ही ती झालेली चूक सुधारली आणि सर्वसामान्यांच्या मनातलं सरकार या राज्यामध्ये आणलं। आणि म्हणून या खुर्च्या वगैरे, सत्ता वगैरे याचा कुठाला मोह नाहीये। हा एकनाथ शिंदे काय, देवेंद्रजी काय,
आम्ही कालही कार्यकर्ते म्हणून काम करत होतो, आजही कार्यकर्ते म्हणून काम करतोय, उद्याही कार्यकर्ते म्हणूनच काम करणार। सत्तेची हवा आमच्या डोक्यात नाही, आजही आमचे पाय जमिनीवर आहेत, म्हणून आम्ही रात्रंदिवस काम करतोय, रस्त्यावर फिरतोय, प्रकल्पांना भेटी देतोय। घरामध्ये बसून आदेश देणारं सरकार आमचं नाही, फेसबुक लाईव्ह सरकार आमचं नाही, फील्डवर काम करणारं ऍक्शन मोडमध्ये जाणारं सरकार आमचं आहे। आणि म्हणूनच या पालघर जिल्ह्यामध्ये देखील जो विकास आवश्यक आहे, या ठिकाणी जे जे आवश्यक आहे, आप्पा आमच्या सोबत आहे, त्यांच्या भागात देखील जे विकासाचे प्रकल्प आहेत ते पुढे नेण्याचं आम्ही काम करू। खासदारांनी देखील ज्या सूचना केलेल्या आहेत त्या सूचनांचं देखील या ठिकाणी अंमलबजावणी करण्याचं काम करू। अब सवाल यह है कि आज का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम था सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का, इसमें क्या विपक्ष के ऊपर निशाना साधना ठीक था? जो अभी इस समय सत्ता में नहीं है, सत्ता में आप हो और अगर आप काम कर रहे हो तो आपका दायित्व है। खैर, बात करें इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम को बड़ा दिखाने के लिए, लोगों की भीड़ जुटाने के लिए कई जतन किए गए, हजारों बल्कि लाखों की संख्या में भीड़ बुलाई गई, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए। सरकार ने ये अपनी छवि चमकाने के लिए किया, बाकी जो काम आज इस कार्यक्रम में होता है वो काम हर रोज हर सरकारी कार्यालय में होता ही है। किसी के दाखिले बनाने हो, किसी का कुछ प्रमाण पत्र जारी करना हो, सब काम प्रतिदिन होते हैं हर एक कार्यालय में। लेकिन सिर्फ इस कार्यक्रम को करने के लिए लाखों बल्कि करोड़ों का खर्च किया गया। पालघर के कोलगांव में आप देख सकते हैं इतना बड़ा मंच और व्यवस्था की गई, और तो और भीड़ को बुलाने के लिए, पब्लिक को बुलाने के लिए पालघर जिले के अलग अलग क्षेत्रों से बसों में भरकर पब्लिक लाई गई ताकि भीड़ दिखे और कार्यक्रम बड़ा दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम जो था वो सत्ताधारी पार्टी द्वारा अपनी छवि चमकाने का एक प्रयास है। साथ ही साथ वसई विरार क्षेत्र की राजनीति उसकी बात करें तो इस कार्यक्रम में एक बार की ऐसा लगा कि वसई विरार अंतर्गत कितनी ही पार्टियां आई, बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ा बड़ा दावा करती है लेकिन वह सब दावे फेल हो जाते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपना भाषण करते के समय उन्होंने एक वक्त पर वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर का नाम लेकर ये कहा कि अप्पा आपके क्षेत्र का जो भी काम है वो भी हम लोग करेंगे, यानी उन्होंने मुख्यमंत्री ने खुद ये शब्द इस्तेमाल किया कि आपके क्षेत्र, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी का जो दबदबा है उससे हर एक, चाहे आज मुख्यमंत्री जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं एकनाथ शिंदे, उन्हें भी बहुजन विकास आघाड़ी की ताकत मालूम है, अप्पा की ताकत मालूम है, और कहीं न कहीं वो ये नहीं चाहेंगे कि यहां उनका डैमेज हो। अब बहुत कम समय बाकी है, जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, एक साल से भी कम समय बाकी है, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे और भी कार्यक्रम हमको दिखाई देंगे आगे भविष्य में भी, जहां सरकार अपनी छवि चमकाती हुई दिखाई दे। आज के लिए फिलहाल अभी इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।